दोस्तों आज हम गेमिंग टेस्ट करने वाले हैं BGMI का गाइज, यहाँ पे 90 FPS पे, यहाँ पे जो है गाइज OnePlus 11R में गाइज, क्योंकि आपको पता होगा BGMI में यहाँ पे 90 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। अब यहाँ पे कितना ज़्यादा ये स्टेबल है और कितना जो है फ्रेम ड्रॉप्स आपको देखने को मिलते हैं, सारा कुछ गाइज मैं आपको यहाँ पे लाइव करके दिखाने वाला हूँ, गेम प्ले करके आपको दिखाऊंगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप भी खरीदना चाहते हैं OnePlus 11R फ़ोन को गेमिंग के पर्पज से गाइज, तो आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना चाहिए ताकि गाइज आपको पता चल जाए कि क्या यहाँ पे आपको जो है कि स्टेबल जो है 90 FPS का जो है आपको यहाँ पे गेम प्ले मिल जाता है या नहीं। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, प्लीज़ वीडियो पे नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यहाँ पे गाइज मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग सबसे पहले आपको दिखाऊंगा, FPS आपको स्क्रीन पे ही शो कर जाएगा। मैंने यहाँ पे सिस्टम का जो FPS है वही यहाँ पे मैंने यूज़ किया है जो कि आपको OnePlus जो है गेमिंग मोड में देखने को मिलता है। तो ऑलरेडी मैंने इसको प्ले किया और इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया है, तो चलिए गाइज यहाँ पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे गाइज देख सकते हैं फाइनली मैंने गेम को ओपन कर लिया है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे स्टार्ट कर दी है। FPS आप स्क्रीन पे देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे कंटिन्यू आपको FPS देखने को मिल जाएगा। तो गाइज यहाँ पे मैंने इसको जो है प्रो गेमर मोड में लगा लिया है ऑलरेडी। तो अब गाइज यहाँ पे मैं इसको खेलता हूँ, आप लोग FPS स्क्रीन पे देख सकते हैं गाइज यहाँ पे कितना FPS आपको देखने को मिलता है। देख सकते हैं यहाँ पे 90 FPS पे मैंने लगा के रखा है, उसके बावजूद गाइज यहाँ पे जो मैं FPS देखने को मिल रहा है वो 66 कभी आ जा रहा है, कभी यहाँ पे गाइज 75 जा रहा है, कभी 79 जा रहा है, कभी 80 भी यहाँ पे टच कर जाता है। लेकिन गाइज यहाँ पे 90 FPS अगर हम बोले गाइज तो यहाँ पे बिल्कुल भी स्टेबल आपको यहाँ पे जो है 90 FPS देखने को नहीं मिलेगा, जैसा कि गाइज आप लोग देख सकते हैं। अब पता नहीं ये जो लेटेस्ट अपडेट्स है इसके बाद में ऐसा हुआ है गाइज या पहले से ऐसा था, क्योंकि मैंने जब यहाँ पे गाइज फ़ोन को परचेज किया तो गाइज यहाँ पे अब लेटेस्ट वर्जन में इस समय मैं रन कर रहा हूँ और इसके बाद में गाइज यहाँ पे फिलहाल के लिए FPS मुझे ऐसे ही कुछ देखने को मिलते हैं। जैसा कि गाइज आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर कितना ज़्यादा जो है यहाँ पे FPS जो है ड्रॉप हो रहे गाइज, मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी हैवी नहीं, क्योंकि 80 टू 90 के बीच में अगर रहता तो भी अच्छा रहता, लेकिन गाइज यहाँ पे देख सकते हैं 80 तो टच ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। पता नहीं क्या गाइज यहाँ पे प्रॉब्लम है कि ये 65, 70, ये 71 ऐसे गाइज यहाँ पे जो है सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो गाइज यही एक प्रॉब्लम है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे जो है टीम डेथ मैच जो है 4v4 वाला जो है गेम प्ले कर रहा हूँ। उसके बाद में मैं गाइज आपको जो है इरेंगल मैप में भी चल के गाइज जो है दिखाऊंगा, तो उसको भी वहाँ पे थोड़ा सा प्ले करके दिखाऊंगा कि वहाँ पे आपको कितना FPS जो है देखने को मिलता है। यहाँ पे गाइज मैं आपको जो है गेम प्ले करके दिखाऊंगा, उसके बाद में आपको कंक्लूजन भी बताऊंगा कि अगर आप गेमिंग के जो है पर्पज से इस फ़ोन को परचेज करना चाहते हैं गाइज तो क्या आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ओवरऑल ये फ़ोन तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 8+ जेन्युइन जो है प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि हालांकि यहाँ पे अंडर क्लॉक्ड है गाइज, लेकिन गाइज यहाँ पे जो है आपको एक ऑलराउंडर फ़ोन मिल जाता है। कैमरा वाइज अगर देखें तो भी यहाँ पे मतलब आपको नॉर्मल जो है एक अच्छा खासा कैमरा इस रेंज में मिल जाता है, बहुत अच्छा कैमरा मैं नहीं बोल सकता। लेकिन गाइज यहाँ पे अगर हम बात करें गेमिंग की, क्योंकि यहाँ पे गाइज इसको बताया गया कि भाई एक गेमिंग फ़ोन भी है क्योंकि ऑलराउंडर फ़ोन है, तो क्या गेमिंग इतना अच्छा हमें ये प्रोवाइड करवाता है या नहीं, तो इसीलिए गाइज मैं यहाँ पे जो है गेमिंग टेस्ट कर रहा हूँ इस फ़ोन पे। इसका गाइज एक कंपटीटर और भी है जो कि है IQ Neo 7 Pro, जो कि गाइज यहाँ पे इस फ़ोन से 5-6 हज़ार कम की रेंज में मिल जाता है आपको, और वो फ़ोन जो है खास करके केवल गेमिंग के लिए बनाया गया है गाइज, तो वहाँ पे आपको कितना स्टेबल मिलता है उसमें भी अभी 90 FPS का जो है सपोर्ट आ गया है। तो यहाँ पे गाइज मैं आपको एक कंपैरिजन भी बताऊंगा उस फोन से और इस फोन में आपको कितना जो है डिफरेंस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे गाइज मैंने टीम डेथ मैच का आपको दिखा दिया है कितना FPS आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब गाइज मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ इरेंगल मैप का, उसमें आपको गाइज यहाँ पे कितना FPS जो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे गाइज देख सकते हैं मैं इरेंगल मैप में आ चुका हूँ गाइज, और यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं FPS पे आप एकदम नज़र रखना कि FPS कितना जो है आपको यहाँ पे ड्रॉप मिल रहा है। तो यहाँ पे 72-71 गाइज यहाँ पे देख सकते हैं FPS जो है जा रहा है, 66 भी पहुँच जाता है, 68 भी पहुँच जाता है। मैंने एक चीज़ देखा गाइज कि यहाँ पे 80 जो है गाइज बहुत ही मुश्किल से जो है टच करता है, और बाकी तो ये 60 से 70 के बीच में ही ज़्यादातर रहता है, कभी कभी ये 58 या 57 ऐसे करके भी चला जाता है FPS। तो गाइज मैं यहाँ पे यही एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि ओवरऑल अगर हम गेमिंग की बात करें, अगर गेमिंग के पर्पज़ से यह फ़ोन आप खरीदना चाहते हैं तो भाई IQ Neo 7 Pro जो है आपके लिए बेस्ट हो सकता है, क्योंकि उसमें आपको इतना बहुत उसमें भी बहुत स्टेबल तो आपको FPS नहीं मिलता, लेकिन हाँ 80 से 90 के बीच में आपको मिल जाता है। लेकिन गाइज यहाँ पे आपको FPS जो है थोड़ा सा निराश कर सकता है अगर हम 90 FPS पे गेम प्ले करते हैं। देख सकते हैं अभी 44 भी चला गया है, तो FPS जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ड्रॉप होता है। मे बी गाइज यहाँ पे अपडेट करने के बाद यहाँ पे इसने कुछ ऐसा जो है डाउनग्रेड किया हो,
लेकिन गाइज अभी फ़िलहाल के लिए अगर हम बात करें, आपको यहाँ पे 60 FPS की यहाँ पे एक ट्रू गेमिंग करवा सकता है, लेकिन 90 FPS का बिल्कुल भी जो है इससे एक्सपेक्ट नहीं करना। तो गाइज़ यहाँ पे कंक्लूजन यही है कि अगर आप आइक्यूनियो 7 प्रो लेना चाहते हैं, अगर आपको केवल गेमिंग जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप आइक्यूनियो 7 प्रो की तरफ से जा सकते हैं। लेकिन गाइज़ अगर आपको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए, अच्छा हैप्टिक्स चाहिए, ओवरऑल एक अच्छा ऑलराउंडर फोन चाहिए, तो आपके लिए OnePlus 11R एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑनेस्ट रिव्यू दिया है गाइज़ गेमिंग का। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।